तुझको जिस पर फजल हुआ, खुदावन तेरे साथ है। ये कैसा सलाम है और इसका क्या मतलब है? ऐ मरियम, खौफ न कर, क्योंकि खुदावन की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, और तू उसका नाम यसु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावन उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो यकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आकर ना होगा। ये क्यों कर होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती? रूह कुछ तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, इसी सब से वो मलूदे मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। देख, मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कॉल के माफी को। आमीन। बहुत सारी तालियां। क्या करूं क्या ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। आए खुदावन, तू ही मेरी मदद फरमा कि मैं क्या करूं। जब से मुझे ये पता चला है कि मरियम हामला है, और जबकि हमारी शादी भी नहीं हुई, और तरह तरह की बातें निकलेंगी, और लोग बहुत सी बातें बनाएंगे, और मैं उसे बदनाम भी नहीं करना चाहता, मैं ऐसा करता हूँ, उसे चुपके से छोड़ देता हूँ और इस जगह से कहीं दूर चला जाता हूँ, जहाँ ये ख्यालात और बातें मेरा पीछा न करें। इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाल आने से ना डर, क्योंकि जो कुछ उसके पेट में है वो रूह कुछ की कुदरत से है। वो हामला है और उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम यसु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये ख्वाब था यान में बताया। अय खुदावन, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने हर वक्त मेरी रहनुमाई की है, सो अब मैं जान गया कि यह सब कुछ तेरी तरफ से है और तेरी ही मर्जी के मुताबिक है। मैं अभी मरियम को अपने घर ले आऊंगा ताकि तेरी मर्जी पूरी हो। बहुत सारी तीसरा सीन। सुनिए सुनिए सुनिए, सुनिए जनाबे वाला, क्या कहता है मुनादी वाला। मुनादी सुनिए गौर से, फिर बात कीजिए किसी और से। कैसर गोस्तस की तरफ से हुक्म जारी हुआ है कि सब लोग अपने अपने शहरों में जाकर अपने नाम लिखवाएं।
सबकी भरपूर तालियां। सराय का काम कैसा चल रहा है? जी मालिक, सराय का काम अच्छा चल रहा है और सराय में पांव रखने की भी जगह नहीं। अच्छा, हुजूर भाई, एक औरत और मर्द है, उन्हें रहने के लिए एक कमरा चाहिए। उन्हें अंदर भेजो। जनाब, आपकी सलामती हो। तुम्हारी भी सलामती हो। कैसे आना हुआ? जनाब, हम दूर के मुल्क से बैतलहम में नाम लिखवाने आए हैं और रात काफी हो चुकी है, इस वक्त हम वापस नहीं जा सकते। मेहरबानी करके एक कमरा दे दे। कैसर गोस्तस के हुक्म जारी करने की वजह से पूरा बैतलहम लोगों से भरा पड़ा है और हमारी सराय भी मुसाफिरों से भरी पड़ी है, एक भी कमरा खाली नहीं। जनाब, मेरी बीवी हामला है और ज्यादा चल भी नहीं सकती, मेहरबानी करके एक कमरा दे दे। मेरी बात की समझ नहीं आ रही तुमको क्या? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एक भी कमरा खाली नहीं है, कहीं और जगह जाकर तलाश करो और पलट कर मत आना। जी जनाब। मालिक, ये काफी मजबूर लग रहे हैं। हाँ मालिक, एक जगह है जहाँ रात गुजार सकते हैं। रुको। जी जनाब। एक जगह है जहाँ तुम रात गुजार सकते हो, वो जानवरों का अस्तबल है। जी, हमें मंजूर है। और हाँ, तुमको उसके भी 100 दिनार देने पड़ेंगे। जी, हम दे देंगे। जाओ मुलाजम, इन्हें तबेले तक छोड़ दो। आप सबकी भरपूर तालियां। अरे भाई, दिन ब दिन सर्दी बढ़ती जा रही है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। हमें अपने जानवरों के लिए अच्छा कुछ अच्छा इंतजाम करना चाहिए। अरे, आज आसमान कितना रोशन है। अरे, ये कैसी रोशनी है जो हमारी तरफ आ रही है। डरो मत, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ, सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चढ़नी में पड़ा हुआ पाओगे। आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह। आलम बाला पर खुदावंद की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी हो सुलह। बच्चे को देखने चलते हैं। जोरदार ताली।
ड्रामे का छठा सीन है। हाँ तो वजीरे बातरदीद, इस सबनवीसी का काम कैसा जा रहा है? जी हजूर, काम बहुत खुश असलूबी से जा रहा है। किसी बलवार या फसाद का अंदेशा तो नहीं? नहीं नहीं हजूर, अपनी मौत को कौन पुकार सकता है। भाग्य को पूजा कर दो हजूर। जिन्ने सुपानी का दबदबा अच्छे अच्छों का पिता पानी कर देता है। हजूर, शहर का कोतवाल चंद अजनबियों को गिरफ्तार करके लाया है और वह शरीर बाजियाबी की इजाजत चाहता है। इजाजत है? अजनबी हाजिर हो। हजूर, आपकी सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। कैसे आना हुआ? हजूर, हम दूर के मुल्क से आए हैं और एक सितारे की रोशनी के पीछे आए हैं। वो सितारा किसी बादशाह की पैदाइश का पैगाम देता है। हम उसे देख कर सजदा करने आए हैं। बादशाह? कैसा बादशाह? एक मियां में दो तलवारे और एक पिंजरे में दो शेर, ये कैसे मुमकिन है? हेरोदीस अभी जिंदा है। हाँ तो सरदार साहिब, अंबिया की सहाई इस बारे में क्या बयान करते हैं? हजूर, खुदा का पाकलाम ये बयान करता है, आए बैतुल फतह, अगरचे तुम यहूदा के हजारों में शामिल होने के लिए छोटा है, तो तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकम होगा। आमीन। हाँ तो शाहीन जूनी, तुम्हारा इलम इस बारे में क्या बयान करता है? हुज़ूर, ये सितारा एक बादशाह की पैदाइश के बारे में बताता है। तुम जाओ और उस बच्चे की बाबत ठीक ठीक दरियाफ्त करो और जो को मिल जाए मुझे भी खबर करो, ताकि मैं भी जाकर उसे सजदा कर सकूं। जी हजूर। वजीर? जी हजूर। जी हजूर। उफ, आज तो हम बहुत थक गए, दरबार बर्खास्त किया जाए। Thank you.
इसी तरह मेरी दरख्वास्त है टीचर्स जो पीछे हैं, टीचर्स भी बेटा आगे आ जाए, आगे हो जाए, आगे आ जाए, टीचर्स भी मेहरबानी से जो उस तरफ है वो उस तरफ से आ जाए, जो इधर पीछे है वो उधर से आ जाए। बहन बुशरा ने बच्चों की हौसला अफजाई की है, बहन जोरा ने, और उन्होंने कहा जी बहुत अच्छा लग रहा है सारा ये ड्रामा। एल्डर यकूब साहब वो आए हैं, एल्डर लियाकत साहब, उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की है। टीचर से दरख्वास्त है कि टीचर्स यहाँ पर आए साथ, कुछ दो टीचर्स वहाँ पे खड़े हो जाए, दो ही यहाँ पे आ जाए। भाई सैडरिक उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की है, सुफियान शहजाद वो आए हैं, इसी तरह बहन वसीम उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की है। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि हम सब Thank you.
Okay.